And the winner of the Esports Mobile Game of the Year is... My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. उसके बारे में बात करूंगा कि फ्री फायर गेम आखिरकार इतना खराब क्यों है या अब भाई मतलब तुम पबजी खेलते हो तो फ्री फायर बेकार हो गया भाई। ये बनना इस दुनिया पे नहीं, अलग इस अगले दुनिया पे भी नहीं भाई, ये अलग ब्रह्मांड पे ही रहता है जहाँ पे ये एलियन के साथ मिलकर नई नई गेम इन्वेंट करता है। और इसे यहाँ पे जो गेम पॉपुलर रहती है ना, इसके अंदर से आवाज आती है नहीं मैं इसे रोस्ट करूंगा भाई, मुझे सहा नहीं जा रहा है। ऐसे टाइटल तो देख लो भाई, क्वेश्चन मार्क डालना भूल गया कि फ्री फायर बेकार है क्वेश्चन मार्क, इसीलिए इसको इतना हिट मिल रहा है। अगर इसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया होता तो हो सकता है इसे इतना हिट नहीं मिलता। अपने ओपिनियन बता रहा हूं और साथ साथ में भी चल रहा है, लेकिन फ्री फायर इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया मतलब भाई आपका पबजी के जहाँ पे मतलब आपके तो नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर गेम के बारे में हेट नहीं फैलाना चाहता, लेकिन भाई जहाँ पे इनके पबजी के 100 मिलियन या 300 मिलियन डाउनलोड थे और ये बोल रहे हैं कि हमारा पबजी बहुत पॉपुलर है, वहीं पर फ्री फायर के 500 मिलियन प्लस मिलियन डाउनलोड होने, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, तो इतने डाउनलोड होने के बाद भी मतलब भाई थोड़ी रिसर्च करके आया करो भाई, तुम ऐसे भी कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कुछ भी मत बोलो भाई, अंदर से बुला रखता है, समझ रहे हो ना कि उसके जो ग्राफिक्स हैं वो इतने रियलिस्टिक नहीं है, जो गेम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। अब भाई तुम एक 500 600 700 लगभग MB के गेम के अराउंड से उसका क्या कंपैरिजन कर रहा हो भाई, तुम्हें ब्रह्मांड की ग्राफिक्स चाहिए क्या, मतलब तुम्हें ऐसा पूरा वर्ल्ड चाहिए क्या उसमें, और मतलब तुम यार तुम थोड़ा लॉजिक लाया करो। अब फ्री फायर को तुम पबजी के साथ कंपेयर करो, फ्री फायर मैक्स आगे उसको कंपेयर करना है ना, और तुम बोलो फ्री फायर की ग्राफिक्स बेकार है, बरमुदा रिमास्टर्ड की ग्राफिक्स भी मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप बता दो किस एंगल से बेकार है, ठीक है। लेकिन जो उसके ग्राफिक्स हैं वो इतने रियलिस्टिक लोगों को नहीं लगते, जो कैरेक्टर मूवमेंट है वो भी अच्छा नहीं लगता, गोलियों की आवाज और एम करने का जो भी है वो लोगों को पसंद नहीं आता। भाई मैंने ऐसा चाला के एलियन आज तक देखा ही नहीं, मतलब ये अपना ओपिनियन लोगों को नाम लगा, अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एक होते हैं जो कि बहुत रियलिटी पर बेस्ड होते हैं, जो वहां पर फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है, जो भी गेम प्ले हो रहा है वो काफी हद तक आप रियल जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं, चाहे कैरेक्टर की मूवमेंट हो, चाहे वहां पर कोई भी आसपास की सराउंडिंग हो। एक गेम इस तरह का होता है जिसमें सब कुछ आर्टिफिशियल जैसा लगता है, फ्यूचरिस्टिक लगता है, और ऐसी चीजें होती हैं जो असल जिंदगी में नहीं होती। अब भाई देखा अपने, इसने फिर पबजी को फ्री फायर से कंपेयर कर दिया, मतलब भाई अब मैं तो आए पबजी को GTA 5 से कंपेयर करूं या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 से कंपेयर 2 या 3 से कंपेयर करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना, और फिर उसकी ग्राफिक्स मैं चला दूंगा तुम लोग बेहोश हो जाओगे, इतना बढ़िया ग्राफिक्स है उन दोनों गेम की, और तुम ऐसे कंपेयर करो, रुको मैं भी ऐसे कंपेयर करना शुरू करूंगा। और ये जो बोल रहा है फ्यूचरिस्टिक गेम, अगर तुम्हें फोर्टनाइट का नाम पता रहता ना तो तुम ऐसा कभी नहीं बोलते भाई, फोर्टनाइट में क्या चीज़ रियल है, उसमें छाता पकड़ के उड़ता है ये वो, लेकिन तब भी देखने में बहुत अच्छा लगता है भाई, और खेलने में भी बहुत अच्छा लगता होगा, मैंने खेला नहीं है लेकिन मतलब देख के गेम प्ले एक्सपीरियंस बता सकता हूँ बहुत अच्छा लगता होगा, तो ऐसे मत बोलो यार, मतलब फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। GTA 5 बहुत अच्छा है, दोनों का मिक्स है, लेकिन ये जो चीज़ है फ्री फायर में वो नहीं दिखाई गई है। वहाँ पर अगर आप घास का टेक्सचर देखोगे या कैरेक्टर को देखोगे, कैरेक्टर के फेस को देखोगे तो काफ़ी एक जैसा ही लगता है। भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसने जो स्क्रीनशॉट दिखाया ना वो 1 से 2 या 3 साल पुराना है, जब मैं खेला करता था, जब मेरी बहुत पहली ID थी Season 7 या 6 की, तब का ये स्क्रीनशॉट है। अब भाई मैं तुम्हारे पबजी का जब वो रिलीज भी नहीं होता, बेटा वर्जन में था, बीटा वर्जन में, तब का मैं स्क्रीनशॉट ला के दिखाऊं कैसी ग्राफिक्स है उसकी, नहीं दिखाऊं मैं, और मतलब इन भाई साहब के लिए गाय और बकरी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि भाई गाय भी घास खाती है और बकरी भी घास खाती है, जैसे कि कैरेक्टर्स के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं कैरेक्टर के चेहरे के बीच में। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आप खुद ही पता कर लीजिए कितना डिफरेंस है। वहाँ पर लड़ते हुए आप बादल उठा सकते हो और एक दीवार लगा सकते हो, क्या असल जिंदगी में अगर आप गन फाइट कर रहे हैं तो क्या आप ऐसा कुछ करके एक दीवार खड़ी कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो।
अब भाई बार बार ये यही बात कर रहा है इसकी ग्राफिक देखो इसका, और ये 2 साल पुराना स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा है भाई हमें, हमें अभी का स्क्रीनशॉट दिखाओ ना। और जहाँ तक बात रही रियलिटी की, मैंने फोर्टनाइट का एग्जांपल दे चुका है, और GTA 5 में तुम जाते हो किसी की गाड़ी छीन लेते हो क्या सब, तुम्हें तुम्हारे घर पे आके गिरफ्तार करने लगते हैं क्या? नहीं ना, तो इनफैक्ट तुम 6 स्टार करके अपने घर के अंदर घुस जाओ, सब आते भी नहीं तुम्हारे घर के अंदर। अब बताओ, अब उसका कंपेरिजन करो तब मुझे बताओ। और पबजी में मतलब तुम असली जिंदगी में ऐसे जा रहे हो तो ड्रॉप गिरेगी क्या, और तुम्हें सब बंदूक दे के बोल देंगे जाओ एक दूसरे को मारो जितना मारना है। अब मुझे इससे आगे बात करनी नहीं है भाई, लोग आप अपने से डिसाइड कर लीजिए। ये इतना ज़्यादा आई क्यों उनके पास आया कहाँ से, ये अलग ब्रह्मांड के प्राणी पता नहीं यहाँ पे आके लेक्चर क्यों सुना रहे हैं। मैं इनकी वीडियो पहले देखा करता था क्योंकि पहले ही अच्छी वीडियो बनाते थे, और आजकल इनके वीडियो पे व्यू नहीं। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, फ्री फायर का नाम लगा देते तो व्यू तो आ गए लेकिन डिसलाइक ज्यादा मिल गए। जो फ्री फायर को स्ट्रीम कर रहे हैं उनका चैनल ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, वो ज्यादा पैसे क्योंकि फ्री फायर गेम की डिमांड, जैसा आपको लगता है कि नहीं होगी ऐसा नहीं है, फ्री फायर गेम की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग देखना पसंद करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैं फ्री फायर की स्ट्रीमिंग 1 साल से कर रहा हूँ, मैं कितना अमीर हो गया। और देखो मैं, मेरे पूरे 87 सब्सक्राइबर भाई, इतने यूट्यूब तुम्हें 5,000 करोड़ रुपए एक महीने में देता है, 5,000 करोड़ मतलब समझते हो। और भाई ये करना क्या चाहते हैं, कभी ये भलाई कर रहे हैं, अरे मतलब कभी ये बड़ाई कर रहे हैं और कभी बुराई कर रहे हैं। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। हर छोटा बच्चा ये कहता है दीवारें हैं गवाह, किसका कितना था फेम कभी, आजा भैया आजा ना, क्या चाहिए तुझे, यहाँ सब मिलेगा, M4 चली है पेड़े, गुजी आवाज तुझे सब दिखेगा, छोटा है पैकेट बे या बड़ा धमाका है छोटे, एक बारी फटाना बॉम्ब तो आवाज छोड़े काम पर पूरा फायर है छोटे, ऐसा लगे वार परिवार शनिवार का त्यौहार, मने हर एक बार बेटे मारे सवार, कलाकार की कलम करे शब्दों से वार बेटे, इस बार अखबार की खबर सीना फाड़ तुझे झाड़, बोले एक और बार हुआ फ्री फायर 5 × 100 मिलियन 100 मिलियन 100 मिलियन पार।